तो मेरे साथ एक बहुत बड़ा पोपट हुआ। मैंने धोती तो सुनने के लिए दे दी थी, सही करें। मम्मा लोग भी तैयार हो गए, इधर दीदी भी तैयार हो गए। तो गाइस फेरे हो चुके हैं। सलाम नमस्ते, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हो गए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है और मेरा बेटा भी तैयार हो चुका है। वाओ, कैसे? हेलो गाइस, मैं रेडी हो गया हूँ। मैं बोल चुकी हूँ बेटा, हेलो गाइस। तो मैंने जस को पहले ही तैयार कर दिया, सिर्फ मुझे तैयार होना है, मम्मा को तैयार होना है, क्योंकि अब सुबह मॉर्निंग में बहुत सारा काम होता है और गुरुद्वारे में फेरे हैं, टाइम से गुरुद्वारे भी पहुंचना है। सो हम लोगों की मेड्स भी आ गई थी, सारा काम भी हो गया है। बस मैं फटाफट नहा के आती हूँ, रेडी होती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो तैयार हो चुकी हूँ, सब लोग तैयार हो गए हैं। काफ़ी लेट भी हो गया, हम लोग को हमेशा ही देर हो जाती है। तो मेरे साथ एक बहुत बड़ा पोपट हुआ। मैंने धोती तो सिलने के लिए दे दी थी सही करने के लिए, बट मेरा सूट ही मिस हो गया और मुझे सूट ही नहीं मिला, इसकी वजह से मुझे ये पहनना पड़ा। तो मैं आपको बाद में बताती हूँ, बहुत देर हो रही है। अभी हम लोग गुरुद्वारे पहुंच चुके हैं, अब लावा स्टार्ट होने वाले, मतलब फेरे स्टार्ट होने वाले हैं। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं फेरों के लिए। आपको दिखाते हैं कि हमारे यहाँ पे फेरे होते हैं, चार ही होते हैं, सब में सात होते हैं, हमारे में चार होते हैं। तो बस स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने, मम्मा लोग भी तैयार हो गए, इधर दीदी भी तैयार हो गए। तो अब हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने, आते हैं नाश्ता करके आते हैं। सो गाइस हम लोग का नाश्ता आ गया है और हम लोग थोड़ा थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। हम लोगों ने सुबह से सच में कुछ भी नहीं खाया है, फिर उसके बाद लावा की तरफ चलेंगे, फिर फेरे देखेंगे। वैसे फेरे तो स्टार्ट हो गए हैं, पर मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। और इधर ये दोनों मेरी भतीजियां, बाद कीर्तन हुआ, शब्द गाते हैं, फिर उसके बाद प्रसाद अरदास सब कुछ हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं
लंच करने के लिए, जो हमारा कल जहाँ पे था वहीं पे लंच भी है। तो अभी फटाफट यहाँ पे थोड़े से पास में ही है वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे लंच करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे और शाम को है रिसेप्शन। तो बस धूप भी बहुत तेज हो रही है, बस पहुँचते हैं। हम लोग वहाँ के फंक्शन से वापस भाभी के घर चले गए थे, क्योंकि वहाँ से उनकी मेरी भतीजे भी मेरे साथ थे, तो उनको वहाँ पे ड्रॉप कर दिया। फिर उसके बाद भाभी की तबीयत नहीं ठीक थी, तो फिर उनका हालचाल भी लेना था। फिर वहाँ से हम लोग अभी थोड़ी देर पहले घर आए हैं और अब फिर से तैयार होना है और रिसेप्शन की तरफ चलना है, रिसेप्शन में जाना है। तो बस आकर इतनी ज़्यादा थकान लग रही थी, मेकअप रिमूव किया, कपड़े चेंज किए और अब हम लोग जा रहे हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से तैयार होते हैं। लो चुकी हूँ और हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया, अप्रॉक्स 1:30 हो रहे हैं, काफ़ी लेट हो गया था हम लोगों को कि हम लोग पहुँचे। फिर हम लोग साथ में सब इन्जॉय करने लगे, सारे लोग इकट्ठे हुए थे, सभी लोग थे, तो हम लोग को बड़ा मज़ा आया। हम लोगों ने डांस भी किया और हम लोग ब्राइड ग्रूम से भी मिले, तो भाभी ने इंट्रोडक्शन कराया हमारा। तो उसके बाद हम लोगों ने खाना पीना खाया, फिर हम लोग घर आ गए। फिर घर आए तो हम लोग बहुत ज़्यादा थके थे, मैंने फटाफट चेंज किया, मेकअप रिमूव किया, जस को फ्री किया बिल्कुल, इतने टाइम से बच्चा कोट पैंट में फंसा हुआ था। तो अब बस मैंने अपने लिए पानी गर्म करने के लिए रखा है, मेरा पानी गर्म हो रहा है तो मैं थोड़ा सा गर्म पानी पीऊँगी और जस को भी दवाई देनी है, क्योंकि जस ने 2 दिन लगातार आइसक्रीम खा ली, जिसकी वजह से उसकी थोड़ा सा उसको कोल्ड हो गया है। तो अभी मैं उसको दवाई दूंगी और मैं गर्म पानी पीऊँगी, फिर चलते हैं सोएंगे। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। व्लॉग में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस एवरीवेयर। टिल देन बाय एंड सत श्री अकाल।